ज्ञानशलाकया चक्षुरुं निलितं येन कस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी हम लोग जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं उनका नाम है जावट। अब अभी महाराज ने बताया जिस बटकट पेड़ के नीचे केंद्र करके जो राधा जी का ससुराल घर है स्थान का नाम है जावट। और एक क्या होता है जावे एक फल होता है जिस फल का रंग लाल होता है। ये लाल रंग के द्वारा राधा जी सुखे ने अपने आलता रूप से चरण में व्यवहार करते थे। जैसे हम लोग हमारा बंगाल में भी आलता बोलते हैं आलता लड़कियों ने व्यवहार करते यूज करते हैं उनके चरण में। और आलता पहाड़ी हम जो ऊंचा गांव में जाएंगे वहाँ पे भी आलता पहाड़ी है। तो जब राधा जी ने इस राधा जी का चरण को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बक्षस्थल धारण करते हुए उनका जो लाल रंग उनका बक्षस्थल पर रंजित हो जाते थे। इसका मतलब क्या है राधा जी का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के शरीर बक्षस्थल के ऊपर उमड़ आ जाते हैं। अर्थात कृष्ण के राधा जी के प्रति कृष्ण का जो प्रेम या कृष्ण के प्रति जो राधा जी का प्रेम है ये क्या वर्णन के कोई बात नहीं है। ये कोई भाषा के द्वारा सब वर्णन करना असंभव होता है। तो एक बार क्या हुआ एक बार पूर्व से बात हुई कि कृष्ण के राधा जी से मिलेंगे किसी स्थान पर या तो दोपहर हो गया था। तो कृष्ण ने आ रहे थे तो बीच में क्या आया एक बहुत बड़ा अंतर आया जो उसका कोई पेड़ पौधे नहीं था धूप था। तो कृष्ण आते आते देखा जो राधा जी का चरण चिन्ह तो मिट्टी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण का मन में राधा जी के प्रति इतना प्रेम या भाव और राधा जी का रूप उनका हृदय में इतना गहरी से बैठे हुए थे तो उनके चरण चिन्ह देख करके कृष्ण का मन में ऐसे भावना आई कि खुद राधा जी यहाँ पे खड़ी है इतना धूप में राधा जी खड़ी है तो उन्होंने इतना तो कैसे सहन करेगा राधा जी। तो कृष्ण ने किया अपने उत्तर लेकर के ये ऐसे करके जैसे छाया उत्तरों के द्वारा सूर्य की किरण को उन्होंने ढांक दिया था अर्थात चरण के ऊपर छाया पड़ा। कृष्ण ने सोच रहे राधा जी यहाँ पे खड़ी है क्योंकि राधा जी के भाव सोचते सोचते चरण को देख करके राधा जी का रूप उनका हृदय में आ गया। तो बहुत देर हो गया बहुत समय तक तो कृष्ण ने खड़े हैं। तो इधर ललिता विशाखा आदि ने विचार कर रहे हैं क्यों कृष्ण इतना देर कर रहे हैं। तो ललिता ने ढूंढने लगे आकर के देखा दूर में कोई खड़े है कृष्ण की तरह दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है तो जाकर के देखा कृष्ण खड़े है तो बोले अरे श्याम सुंदर तुम इधर क्यों खड़े हो तुम जानती नहीं हो इधर राधा जी खड़े है इतना धूप में। तो राधा जी कहाँ खड़ी है राधा जी उधर इंतजार कर रहे हैं। तो ललिता देखा अरे राधा जी का चरण चिन्ह तब इसी भाव को देख करके ललिता ने उनसे स्पष्टीकृत किया ये है राधा जी का चरण चिन्ह राधा जी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इसी घटना से दिखाई देता है जो तो भी राधा जी ने मान करती है और कृष्ण मान उसको तोड़ने के लिए उनके चरण चरण धूल सिर पर लेते हैं लेकिन फिर भी कृष्ण के अंदर में राधा जी का संपूर्ण रूप उनका हृदय में सदा सर्कल विराजमान रहता है क्योंकि कृष्ण ने खुद का राधा मेरा जप मंत्र है मैं राधा जी का छोड़ कभी दूसरे स्थान में नहीं जा सकता नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे जो स्थान है ये स्थान है ससुराल का घर है अर्थात जो हम लोग विश्वानीपुर में जाएंगे बरसाना ये राधा जी का क्या है शादी से पहले उनका बचपन की लीला वहाँ पे हुई थी और यहाँ पे क्या हुआ ससुराल घर। तो देखो भांडीरबट में जो हम गए थे माधव महाराज के साथ वहाँ पे हम लोग ने श्रवण किया जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है जो वहाँ पे कैसे गांधर्व मत के अनुसार ब्रह्मा जी ने आकर राधा कृष्ण को शादी कराया।
तो ये लेकिन लौकिक रूप में हम लोग देखते हैं जो अभिमन्यु नामक एक गोप के साथ राधा जी का शादी हुई, ये लौकिक रूप में जब बाहर में दिखाई देता है वो शादी किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिमन्यु का मतलब क्या है? अभिमान करना, क्योंकि ये पूर्व जन्म में कोई एक ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण बार बार भगवान विष्णु की आराधना की, तो आराधना करते जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था तब बोले मैं आपकी पत्नी को, मेरा अपने प्रियतमा को मैं पुत्र रूप से ग्रहण करना चाहता, लेकिन सात बार ब्राह्मण ने तपस्या किया, भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, लेकिन जैसे वैसी प्रार्थना की उसी समय ने भगवान ने अंतर्धान हो गया, तो आखिर में उन्होंने उनको बोल दिया ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पूरी तो होगी, लेकिन राधा जी का जब यही बात कही, राधा जी को पता चला जब कृष्ण ने मेरे बोल दिया भगवान विष्णु ने, तब उन्होंने क्या किया, तो मैं कैसे जाऊं, मैं तो तुम्हारी प्रियतमा हूं। तब कृष्ण ने कहा देखो भक्तों की इच्छा तो पूरी करना चाहिए, लेकिन कभी मिलन नहीं होगा तुम्हारे साथ उसको, लेकिन उसके मन में ऐसे अभिमान होगा, जो अभिमान के द्वारा वो समझ सकता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि एक घटना याद आ गया। तो एक बार क्या हुआ, विश्वभानु राजा ने अभिमन्यु ने किसी कारणवश गया था नंद बाबा के पास कोई आलोचना का कुछ चर्चा करने के लिए, तो चर्चा करने के लिए तो यशोदा मैया ने बहुत सामान लेकर के एक बक्से में बहुत अमूल्य रतन आभूषण उनको भर करके रखा था। तो कृष्ण ने पूछा ये कौन सा चीज है, कहाँ क्या चीज है, बोला कृष्ण राधा मैया ने बोले तुम्हारे इसमें फंसने नहीं चाहिए, तुम जाओ खेल कूद करोगे, लेकिन कृष्ण ने जब बार बार माता को पूछने लगे तब ये राधा जी के घर पे जाएगा है ना, तो अभिमन्यु है उनका हाथ में दे दूंगा लेके जाएगा, तो ठीक है। तो माता से चले गई, तो कृष्ण ने सखाओ को बुला लिया, बुला करके उस सामान सबको उठा करके खुद बैठ गई, सखाओ ने उसको बंद कर दिया। तो किसी को तो पता नहीं था, अब क्या किया राधा जी ने, जब विश्वभानु अभिमन्यु को ये सामान बक्स दे दिया, अभिमन्यु को बोला के देखो ये तुम्हारे राधा जी के लिए सामान भेजा, वो तो खुश हुए, वो तो शिल्प लेके गया, बहुत भारी भी हुई थी, लेकर के जब राधा जी का कमरे में खुद गया और राधा जी का कमरे में अंदर में रख दिया, क्योंकि सामान है इसमें अमूल आभूषण है, बाहर में रखना नहीं चाहिए, खुद कमरे में रख दिया, बस वो तो चला गया, लेकिन अंदर में क्या चीज है उसको पता नहीं था। तब अंदर में जाकर के जब सखियों ने तब बक्से को खोला, तब देखा जो अमूल्य रतन कुछ नहीं है, स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण उसको बक्स में बैठ है, चुपचाप बैठ है। तो देख करके सखियों ने हंसने लगे, और अभिमन्यु का जो इतना अभिमान था, लेकिन अभिमान जो मैं उनकी पोती हूँ, मेरे कर्तव्य उनकी सेवा करना, लेकिन दूसरी तरफ से इसका अंदर में क्या है या नहीं है वो कोई उसके दिमाग में काम नहीं किया। तो ऐसी लीला कभी कभी कृष्ण जो राधा जी से मिलते थे तो जोटीला आकर के अभिमन्यु को शिकायत कर रही देखो ये तो मैंने आकर के देखा वो राधा जी से मिल रहे उधर, लेकिन जैसे अभिमन्यु के पास आकर के शिकायत किया तो अभिमन्यु लाठी लेकर के गया मारने के लिए, तो बिंदा दूती ने उसको बोल दिया देखो राधा जी अभिमन्यु आ रहे हैं, राधा जी डर गई। तो कृष्ण बोला डर की बात किया, तुम तो काली की देवी की पूजा कर रहे हो, काली देवी की पूजा करो ना सब ठीक हो जाएगा। तो राधा ने आँख बंद करके पूजा कर रहे थे, तो अभिमन्यु आकर के जैसे हाथ में डांडा लेकर राधा को मारने के लिए गया, सामने देखा माता काली ने कभी दुर्गा कभी काली ऐसा रूप कृष्ण ने धारण करके अभिमन्यु को दर्शन देते थे। तो देख करके अचानक दिखा दे खुद काली माता सामने खड़े है, आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन कुटिला ने क्या कहा वो कृष्ण से मिल रहे हैं, ऐसे देख करके उन्होंने तो बहुत ही हो गया। तो इतने देर तक मतलब कुटिला ज्योतिला सब झूठ बात बोल करके राधा जी के खिलाफ मेरा पास शिकायत करते थे, आज देख करके उन्होंने सीधा सीधा पूरा एकदम दंडवत प्रणाम कर लिया माता काली को, काली को प्रणाम कर लिया, एवं काली ने बोले देखो तुम्हारा बहु इतनी मेरी सेवा की, मैं उनकी सेवा के संतुष्ट करते को दर्शन दिया, लेकिन बार बार जोटिला कुटिला राधा जी के खिलाफ तुम्हारे पास शिकायत करते ऐसा मत समझो, ठीक है ना, आज से तुम ठीक से बहू से व्यवहार करना,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त बिंद की जय, गोप मानंद की जय। कथा सुनाएंगे कृष्ण प्रभु। गुरु वैष्णव के अनुगत में हम लोग आवाज नहीं आ रही, किस स्थान पर आए हैं? साउंड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसका एक तरफ आप बोलते रहो तो पता लग जाए। पता लगे ना उसको देखा नहीं पड़ता है, पता लगेगा वैसे नहीं लगेगा। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन सर्वमनितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोलिए इसका गला फटा हुआ है या मेरा गला फटा हुआ है? मेरा गला फटा है, फिर भी हम लोग बड़े ही जन्मों की सुकृतियों को लेकर के इस स्थान पर आए हैं जिसे कहते हैं जागट। गुरु वैष्णव लोग धन्य हैं, तो हम जैसे अज्ञानी लोगों को आंख को करने के लिए इन लीलाओं को, इन लीला स्थलियों को हमें दर्शन कराते हैं। खाली गौड़िया वैष्णवी इस स्थान की महिमा जानते हैं, क्योंकि ब्रज के लोग तो ये समझते हैं कि राधा जी ने राधा जी ने विवाह किया। किससे विवाह किया? कृष्ण से किया। अगर विवाह किया तो उसमें मंत्र ब्राह्मण अग्नि ये सब साक्षी होने चाहिए, और ये साक्षी होने पर एक गृहस्थी एक विवाह धर्म का पालन होता है, किंतु इसमें प्रेम घटता जाता है। दूसरी ओर परकिया में प्रेम की गहराई का पता लगता है, जैसे प्रशांत महासागर की गहराई नापना सहज नहीं है, ऐसे ही कृष्ण प्रेम की गहराई नापना सहज नहीं है, और उसके नापने का अगर कुछ संकेत लेना है तो वो परकीय भाव में ही संभव है। इसलिए ब्रज में बड़ी सारी परिक्रमाएं उठती हैं, बल्लभ संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की, और अन्य अन्य देवाचार्यों की, राधा वल्लभियों की, हिथरी वंशियों की। कोई भी यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि भाई राधा जी तो बरसाना से आई, राधा जी का विवाह कृष्ण से हुआ तो उस समय राधा जी कहाँ है? बरसाना में है। लेकिन कोई नहीं जानता कि योग माया ने राधा जी के विवाह कृष्ण का जो मूर्तिमान अभिमान है अभिमन्यु उससे करा दिया था, और यहीं पर ही राधा जी ललिता विशाखा आदि सखियां निकट ही विवाहित होकर के आई थी, और यहीं पर ही परकीय भाव की धूल जगह जगह पर बिखरी हुई है, जहाँ पर हमारी गुरु परंपरा आकर के लोटपोट करती है और यहाँ पर आकर के और भाव विभोर हो जाती है। किंतु कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ऐश्वर्य भी बढ़ता जा रहा है। आज कोई गौड़िया मठ नहीं है जहाँ पर ऐश्वर्य ना हो, है? जहाँ पर बड़े बड़े विराट मंदिर गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट आदि ना हो। इसलिए जो जो ऐश्वर्य बढ़ेगा तो माधुर्य कम होता ही जाएगा। फिर भी गुरु वैष्णवों की जो थोड़ी बहुत उच्छिष्ट है हम लोग पान करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निकट ही कोकिला वन है, कृष्ण यहाँ पर या कोकिला वन में
छुप करके रात में और कोकिल की आवाज में कुकू करते थे और जटिला और कुटिला ये कौन है? राधा रानी की सासुड़ी और ननद है। कुटिला मतलब हर काम कुटिल, कोई काम सीधा है ही नहीं है। अगर बदनाम राधा जी को करना है तो कुछ और विधि निकालेगी के उसको अपनी बहू पर संदेह है इसलिए राधा जी को वो बदनाम करेगी, जगह जगह मुनादी करेगी। और ननद कौन है? जटिला, हर बात में जट लगाने वाली। जटिला तो सास है। हाँ, जटिला सास है और कुटिला जो है ननद है। ननद नहीं है जो जानता नहीं। वही ना के जो भाव हृदय में हो वही बाहर आएगा। तो ये ब्रज का भाव है, इसमें जो इसके जो स्वरूप लक्षण है वो है बाम्यता है। अगर पत्नी पति से कुछ बाम्य भाव करके बैठ जाए तो कितनी देर तक बाम्य भाव रखी जा सकता है, क्योंकि घर गृहस्थी भी निभानी है। किंतु प्रियतमा अभी अगर रूठ जाए तो जो प्रियतम है वो सारी दुनिया को भी लूट के ला करके अगर प्रियतमा के चरणों में डाल देना तो भी प्रियतमा मानेगी नहीं। क्यों नहीं मानेगी? वो कहेगी तूने क्या मेरे को पालने का ठेका ले रखा है, है? प्रियतम अपनी स्वतंत्र है, किंतु उनमें जो प्रेम है वो प्रेम ही क्या है, वो विलक्षण है। उसमें ये चार गुण है, बाम्यता और प्रच्छन्न कामुकता। कामुकता तो है लेकिन प्रच्छन्न है। अगर आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप मांग नहीं सकते, क्योंकि घर गृहस्थी में बहू अगर सास से रसगुल्ला मांगे तो ये लज्जा का आदर नहीं समझा जाता। तो वो किस रूप से रसगुल्ला मांगेगी? वो दूसरे से कहेगी भाई रसगुल्ले तो बड़े स्वादी हैं, आपने रसगुल्ला खाया क्या? तो दूसरा रसगुल्ला खाएगा तो बहू को भी कुछ खाने को मिल जाएगा। पर की अभाव इस तरीके से आगे बढ़ता है। प्रचंड कामुकता है, बाम्यता है और क्या है इसमें? निवारणता है। घूंघट आदि नहीं निकालना पड़ेगा लेकिन अपने जो पति हैं उसके लिए, अपनी जो सास है उससे तो घूंघट निकालोगे। उस घूंघट की आड़ में आप कृष्ण कहाँ देख पाएंगे अपनी प्रियतमा को? तो वो क्या करेंगे? रात में कोयल बन करके बोलेंगे और इतनी मीठी आवाज कि जटिला और कुटिला खुद भी उसको सुनना चाहेंगी। राधा ललिता विशाखा आदि सखियां खुद भी उसको सुनना चाहेंगी और किसी ना किसी बहाने जटिला कुटिला तो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, किंतु राधा ललिता विशाखा आदि सखियां मंजरियां ये इस कोयल की आवाज सुनने के बहाने और क्या होगा, इनका कृष्ण से मिलन होगा। यही कृष्ण की विहार स्थलियां हैं और यहाँ पर भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों में यहाँ का बड़ा ही सजीव वर्णन है। लेकिन हम लोग एक बात समझ लें कि अगर जीवन में हमें प्रेम चाहिए तो वो प्रेम दीनता की सवारी करके आएगा, प्रेम दैन्य की सवारी करके आएगा, तभी हम लोग प्रेम को समझ पाएंगे। अगर हम में दैन्यता नहीं है स्वाभाविक तो प्रेम हमसे बहुत दूर है। गुरु वैष्णवों को भी हम मनोरंजन की वस्तु समझेंगे, इसलिए गुरु वैष्णवों के संग में रह करके साधु संग में हम जिस तत्वों को पाएंगे वो ग्रंथ पढ़ के या घर में बाजा बजा के या भजन गा के नहीं पा सकते। यही संगत की महिमा है। इसलिए इन चार लक्षणों को, बाम्यता, प्रचंड कामुकता, निवारणता और दुर्लभता, सहज नहीं है मिलना। यहाँ से राधा जी कहाँ जा रही हैं? जावट से नंदगांव आदि हो करके कहाँ जा रही हैं? सूर्य कुंड जा रही है। दुर्लभता, कृष्ण से मिलना है लेकिन जटिला कुटिला को क्या बता के जा रही हैं कि मैं मित्र देव की पूजा करने जा रही हूं। मित्र देव किसका नाम है? सूर्य का भी नाम है लेकिन कृष्ण का भी नाम है। तो
राधा जी यहीं से सर्वत्र जावट से ही सर्वत्र ब्रज में विहार करते हैं। अगर कृष्ण यहाँ से 28 मील दूर मधुबन में अथवा केसी घाट पे चले जाए गोचारण करते हुए, तो ये सखियां गोपियां ये भी उनको खाना देने के बहाने अथवा किसी और बहाने ये भी वहां पर पहुंच जाती हैं, और वहां पर इनका जो मिलन होता है वही ब्रज की रास मंडल वेदियां हैं, मिलन स्थलियां हैं, झूला मंडल हैं। ऐसे ब्रज में बहुत से स्थान हैं। यहाँ पर भी देखिए काली की पूजा हो रही है। काली की पूजा कौन कर रहा है? राधा जी कर रहे हैं। लेकिन ये काली की पूजा राधा जी नहीं करेंगी, क्योंकि काली राधा की छाया है और राधा जी कौन है? काया है। छाया काया के पीछे दौड़ती है, काया छाया के पीछे थोड़ी दौड़ेगी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कृष्ण यहाँ पर आ गए और चटिला कुटिला को कुछ संदेह हो गया कि ये जो काला है ये यहीं पर कहीं है, कहीं खटिया बटिया के नीचे छुपा हुआ है। और सच बात भी थी, कृष्ण वास्तव में ही कहीं छुपे हुए थे इस हवेली में, जटिला की हवेली में। तो वो इतने में जब देखा कि सब जगार हो गई है, तो कृष्ण जो है तुरंत क्या बन गए? काली बन गए। कृष्ण तो काली बन सकते हैं, किंतु काली कृष्ण नहीं बन सकती। कृष्ण काली बन गए और राधा जी उनकी पूजा कर रहे हैं। जब जटिला और कुटिला आई तो उन्होंने देखा कि हमारी जो बहू रानी है ये तो हमारी आराध्या की पूजा कर रही है, इसलिए उन्हें उसमें कोई दोष नहीं दिखा और सब कुछ शांति हो गई। इस प्रकार यहाँ की बहुत बहुत लीलाएं हैं। लेकिन हमारा गुरु वैष्णव के चरणों में हमारी गुरु परंपरा राधा विनोद बिहारी विषय भगवान आश्रय भगवान सबके चरणों में हमारी दैन्य प्रार्थना है कि हम भी एक न एक दिन इन भावों को आत्मसात करें और हम भी ब्रज में प्रवेश करें। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री परमहंस महाराज एवं फिर कृष्ण प्रभु से श्रवण किया। हमारे गुरुवर्ग हमारे आचार्य वर्ग दिखाया जैसे राधा जी का इधर ससुराल है, प्रधान अष्ट सखियों का भी ससुराल यही पर है। ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या रंग देवी सुदेवी। ललिता का उच्चागा उनका बाल्यकाल का स्थान है, विशाखा कमई करोला बाल्यावस्था का स्थान है, ससुराल सब कहीं पर है। यही नहीं रूप मंजरी रति मंजरी आदि प्रधान अष्ट मंजरी के भी ससुराल यही पर है। यही सबसे गौड़ीय वैष्णव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इधर एक छोटा सा लीला सुना देता हूँ, कैसे कैसे कृष्ण राधिका आपस में मिलते थे। जोटिला और कुटिला किसी भी प्रकार से नहीं चाहती कि राधा जी उधर रसोई बनाने जाए। जसोदा मैया राधा जी को क्यों बुलाती थी, कारण क्या है? जब कृष्ण छोटे थे एक बार नंद बाबा जसोदा माँ के साथ विश्वभर बाबा के महल में गए थे, फिर आने के बाद कुछ ही मैया बनाती है रोहिणी मैया तो थू थू फेंक देती, क्या कोई टेस्ट नहीं है? बोले क्यों लाला, पहले तो था तुम खाता था? बोले मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या खाओगे तुम? बोले उस दिन जब गया था उधर उधर उसी बहुत सुंदर टेस्टी था। मैया जसोदा पता लगाया कौन बनाया था, विश्वभानु बाबा के जब उधर लोग भेजा, कृतिका मैया ने बताया मेरी छोटी सी लाली राधा बनाया था। अच्छा, इसीलिए मैया राधा जी को बुलाती थी। ये राधा जी को ये वर दिया था दुर्वासा ऋषि ने जो शिव जी के अवतार हैं। इसलिए मैया जसोदा प्रतिदिन कृष्ण का रसी बनाने के लिए बुलाती थी। एक दिन हुआ क्या, जोटिला कुटिला संदेह करके कृष्ण को रसी बनाने के लिए राधा जी को मना कर दिया। राधा जी बिरह में तड़प रही हैं, कृष्ण भी मिलने के लिए तड़प रहे हैं, करे क्या, अब कोई उपाय नहीं है। तो सखी यार कृष्ण से मिलकर बात कर लिया। कृष्ण बोले देखो एक काम करते हैं, उनको बोलो राधा जी को सांप डस दिया और कृष्ण क्या करेंगे, ओझा बन के जाएंगे, तब सुख कुछ होगा। अब हुआ क्या, अब राधा जी छटपटा रही है, मुख से झाग निकल रहा है, पता कि इनको ललिता विशाखा ने सांप काट दिया। रात का समय क्या करें,
अब स्नेक चार मरसा पुड़िया मिले कहा जो सात का मंत्र जानता है जहर उतारना, तब तो कोई उपाय नहीं है। तब किसने बताया ये नंदमुखी की बहन अभी विद्यावली अपने बहन के घर आई हुई है, उनका ससुराल बनारस में है और बहुत कुछ जानती है, और वो आ जाए तो ठीक हो जाएगा। कृष्णा विद्यावली के बेस में लड़की के रूप में उधर बैठी है। जटिला खुद गई तो बोला चलो बेटी मैंने बहू को साफ डस दिया उनका थोड़ा जहर उतार दो। बोला मैं ब्रज की गांव की गमारी नहीं हूँ, मैं सोमनंद घर की बहू हूँ, बनारस की हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। बोला मेरी बहू मर जाए, बहू मरे तुम मरे मेरा कोई चिंता नहीं है, मैं ऐसे नहीं घूम घर घर पे घूमती नहीं, पैर पकड़ लिया चलना ही पड़ेगा। आए बोला देखो मैं पहले सबको बुलाऊंगी, क्यों डसा, आप लोग अंदर बाहर रहिए, मैं सांप को बुलाऊंगी साबा के उत्तर देगा, कि तुम लोग सुन के इसका व्यवस्था करना। ठीक है। और कृष्ण क्या किया, एक बात तो विद्यावली के टोन से बात कर रहे हैं, दूसरे बार सांप के टोन से बुलाया, सांप तुम जल्दी आ जाओ, क्यों काटा, आ जाओ। सांप आ रहे तो सुनाई पड़ रहा है, जटिल हाँ कुटिल हाँ सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, बोला हाँ सुनाई पड़ रहा है। अब क्या है, बोले तुम काटा क्यों, ये कहाँ के तुम रहने वाले हो। बोले मैं कैलाश से आया हूँ, इसको डसा क्यों। बोले ये हमारे ये प्रभु शिव जी है, इसके प्रभु कृष्ण का रसी बनना बंद करा दिया, असल में इनको तो डसना नहीं था, डसना है जोटिला को कुटिला को अभिमन्यु को दुर्मद को गोल गोप को सबको काटना है। ये राधा जी सबसे बड़ी शक्ति ब्रज में है, इसके रहते हुए मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए पहले इसको मारूंगी फिर सबको मारूंगी। जटला बाबा मत करो, अब तो ध्वंस हो जाएगा। बोला मैं नहीं मानूंगी, नहीं मैं काट के सबको छोड़ूंगा। तो कैसे तुम करोगे, शांत कैसे होगा। बोला मैं जहर तुम्हें तो उठाना ही पड़ेगा, मैं जहर तो उठा लूंगा एक कंडीशन पर, जटिला कुटिला पहले प्रतिज्ञा करे कभी भी राधा जी को रोसी बनाने के रोकेंगी नहीं, तभी मैं जहर उठाऊंगा ये बचेगी, नहीं तो मर जाएगी। देखला मैं कभी नहीं करूंगा, कुटिल नहीं करूंगा, तुम अभी उठा लो। ठीक है साहब, मैं उठाता हूँ। बोले साहब मैं उठा लिया और मैं चलता हूँ। चले गए साहब। तभी जटिला कुटिला को विद्यावली अंदर बुलाया, आ जाओ, अब पूछो तुम्हारी बहू रानी को कैसा लग रहा है, बेटी अब कैसा फील कर रही हो। बोला अभी तो शरीर का उत्ताप तो इतना नहीं है, क्या हुआ तो मेरा समझ में कुछ नहीं आया, मैं आँख खोल नहीं पा रही थी, अब तो आँख खोल पा रही हूँ, थोड़ा आराम लग रहा है। तो फिर विद्यावली ने बताया, देखो सांप काटने पर रात में सोना नहीं चाहिए, इसको सोने मत दो, और एक काम है, चबाया हुआ तांबूल मेरा उनको देना पड़ेगा, लेकिन मैं दे नहीं सकती क्योंकि मेरा यह धर्म नहीं है, मैं झूठा किसी को नहीं देती। जटिला कुटिला पैर पकड़, नहीं 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 नहीं, तुम झूठा जितना मर्जी की कोई चिंता नहीं है, वो तुम्हें रहना पड़ेगा, जहर चढ़ जाए तो क्या करें। बोला नहीं, मैं दूसरे के पराया घर में रात नहीं बिताती, मैं पहले बता दिया ना मैं बनारस की हूँ, कुलीन वंश का हूँ। बोला नहीं तुम्हें रहना ही पड़ेगा। फिर सोखिया भी रही, कृष्ण भी रहे, इधर लीला विलास हुआ, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। महाराज एक मिनट बोलेंगे, और एक बात सुनिए, मैं इधर बैठ बैठ के सिद्धार्थ महाराज को पूछ रहा था, आपका इतना केस कहाँ उड़ गए। बोले गुरुदेव के समय पिसल पहाड़ में गुरुजी मना कर रहे, बहुत पिसलता था, इसी को नीचा करके इसलिए सब बाल उड़ गया। हरे कृष्णा। हाँ देखो, ये स्थान का नाम है जाबट। जाबट का मतलब क्या था, जा मतलब होता है जो, बट मतलब होता है बट वृक्ष। एक समय कृष्ण यहाँ पर सुंदर उन्होंने बंसरी बजाई, जब बंसरी बजाई इतने में राधा रानी को सखियां श्रृंगार कर रही थी, अभी बंसी ध्वनि सुनते ही इतने में श्रीमती राधा रानी भागते भागते आई। जब भागते भागते आई, राधा रानी का तो सारे श्रृंगार हो चुका था, लेकिन ये बंगाल में एक नियम है, जो सधवा स्त्रियां होती हैं अपना चरण में जो मेहंदी व आलता लगाते हैं, देखा सारे श्रृंगार तो ठीक है, लेकिन केवल राधा जी की चरण में जो आलता केवल लगा हुआ नहीं, इसलिए एक शब्द होता है चापक। चापक मतलब होता है, यहाँ पर ऐसे एक वृक्ष था जिस पत्ते को अगर आप रगड़ोगे तो
जिससे सुंदर आलता जैसे जैसे लाल रंग निकलता है। इतने में श्री श्याम सुंदर वो पेड़ का पत्ते को रगड़ करके उसका जूस निकाल करके श्री राधा रानी के चरण में पहना दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया जाबक। चरण को लगा करके अपना हृदय में कृष्ण धारण किया। जब हृदय में धारण किया राधा रानी के चरण की जो मेहंदी वो श्री श्याम सुंदर का बख्य स्थल में लगा, इसलिए कृष्ण स्वयं राधा जी की चरणों को अपना बख्य स्थल में धारण किया। आप लोगों ने बहुत बहुत कथा सुने, मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक समय यहाँ पर जटिला कुटिला बोले, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। बोले देखो सावधान, ये कृष्ण कभी कभी बीच में आ जाता है घर में और मक्खन चोरी करके खा जाता है, खबरदार कृष्ण को घर में घुसने मत दिया करना। बोले एकदम चिंता मत करो, कृष्ण का परिचय भी यहाँ घुसने नहीं देंगे। इतने में जटिला कुटिला चली गई। जब चली गई अभी सखियों को पता चला जटिला कुटिला चली गई, अभी शाम को आएंगे। बोले कृष्ण को बुला लो। इतने में कृष्ण को बुला लिया। बुला करके कृष्ण के साथ में राधा रानी विहार कर रही थी। जब विहार कर रही थी जटिला कुटिला थोड़ी दूर तो गई लेकिन एक काम ही नहीं बना, इसलिए वहां से वापस आ गई। जब वापस आ गई उन्होंने तो, इनको तो पता नहीं था राधा रानी को जटिला कुटिला वापस आ जाएगी, तो गए शाम को आएंगे। लेकिन हठात वापस आएगा तो देखा राधा कृष्ण दोनों अपना मुंह में मुंह मिला करके चुंबन कर रही थी। जब चुंबन कर रही थी इतने में जटिला कुटिला देख करके, इनका नाम जटिला कुटिला नाम क्यों है, जटिला मतलब होता है जट पकाना, कुटिला मतलब होता है कुटकुट गुटगुट करना। ये सास ननंद को, क्योंकि अभी अभी धीर कृष्ण प्रभु बोल रहे थे ये प्रेम में एक दुर्लभता है। दुर्लभता मतलब क्या है, जब कोई चीज दुर्लभ से मिलता है वो चीज को हम महत्व देते हैं। यद्यपि गुरुदेव कहते थे राधा कृष्ण तो नित्य गोलोक वृंदावन में विहार करते हैं, फिर जरूरत नहीं यहाँ आकर के फिर शादी करने का। गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, आपकी शादी हो गई लेकिन यहाँ से कहीं तुम्हारी ट्रांसफर हो गई, जब ट्रांसफर होकर कहीं बम्बे जाओगे क्या फिर दोबारा शादी करोगे, शादी करोगे नहीं। उसी तरह गोलोक वृंदावन में नित्य निरंतर प्रिया प्रियतम लीला करते हैं, फिर इधर जरूरत नहीं, फिर यहाँ शादी करने का फिर जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो नित्य निरंतर गोलोक वृंदावन में विहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर योग माया ने देखा अगर डायरेक्ट अगर कृष्ण को साथ में शादी हो जाएगी लेकिन फिर जो मिलन का आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि इस जगत में होता है पहले तो स्त्री कैसे लगती है, चंद्रमुखी, एक चंद्रमा आकाश में और दूसरे चंद्रमा हमारे पास में, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में बन जाती है सूर्यमुखी, फिर तो ज्वालामुखी बन करके फिर तो आपस में लड़ाई झगड़ा। इसलिए यहाँ पर अभी जटिला कुटिला अभी हठात जब आज देखा राधा कृष्ण मिल रहे हैं, इतने में जटिला कुटिला बोले तुम लोग ऐसे रोज रोज करते रहती हो, मैं बाहर गई थी हठात कैसे आ गई, तुम क्या कर रहे हो ये आपस, क्योंकि राधा जी को साथ में तो शादी हुई नहीं, यहाँ पर शादी हुई आयना घोष को साथ में, उसका नाम है कि भी अभिमन्यु वृथा अभिमन्यु। बोले तुम लोग ये सब काम करते हो क्या, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या मिलन कर रहे हो। अभी तो राधा रानी देखा पहले पहले तो किसी तरह से बहाना बना देती थी लेकिन अभी पूरा रंगे हाथों से पकड़ गए, अभी बहाना क्या बनाए। लेकिन इतने में राधा रानी कोई साधारण है, वो साधारण नहीं, इसलिए इतने में राधा रानी क्यों चिल्ला रहे हो, बोले तुम लोग अभी क्या कर रहे थे, मुंह में मुंह लगाकर चुंबन कर रहे थे। इतने में राधा रानी कहते नहीं, बोले क्या, बोले तुम बोल कर गई थी ना ये काला कभी कभी आकर माखन खा जाता है, इसलिए हमने देखा ये मक्खन चोरी कर खा रहा था, हमने कहा तुम मक्खन खाया, कृष्ण बोले नहीं मैंने मक्खन नहीं खाई, बोले नहीं खाई, बोले नहीं, कृष्ण ने कहा अगर मक्खन खाया तो मुंह सूंघ कर देख ले, इसलिए मैं उसको मुंह को सूंघ रही थी जो सचमुच से मक्खन खाया कि नहीं, इसलिए फिर तो जटिला कुटिला शांत हो गई। इसलिए क्योंकि राधा रानी ये सर्व लक्ष्मीमयी राधा रानी, इसलिए यहाँ पर तरह तरह से बहुत सुंदर लीला हुई। फिर हम मंदिर में जा करके फिर शाम को सब कथा सुनेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। मृदंग झाजर कासर करतल उठा लीजिए और सीधा हम लोग गिरधारी गौड़ मठ में जाएंगे, वहीं पर प्रसाद है, जब देर नहीं करना है और सीधा मठ में जाएंगे। हरे कृष्णा। दीदी वो सब कुछ रहे हैं ना तो आप मुझे बाबा
जावट जावट जटिला उठिला सारी गुड काली दूसरी पकड़ने जा रही है। अच्छा काली बांसुरी बजा रही है। ये काली माता बने ना कृष्ण जय कृष्ण से काली लाओ राम कृष्ण मिशन हो गया नहीं राम कृष्ण अरे जय ठाकुर है अभी जाओ ऐसे ब्याह है जी अभी भगवान